आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं, सब दोस्त ने अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का। माँ बाप त्रिया और पुत्र वधु कहते ना, ये हमारे हैं। बेटा कमा के नहीं लाया, कोई प्यार नहीं करेगा, ना पत्नी ना माँ ना बाप, सबको भारी मारी लग जाएगा। हर आदमी हमारे तन और धन से प्यार करता है, हमारे मन से कोई प्यार नहीं करता मेरे भाई, बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। ये पत्नी है ना, ये भी जब तक अच्छे से रखो, अच्छे से खिलाओ पिलाओ, शॉपिंग शॉपिंग कराओ, तब तक तो हाँ हाँ मेरे पति बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मना करके देखो, कर्म फूटा जो तुम्हारे पीछे आई मैं, एक से एक रिश्ते आए थे मेरे। पुराना जमाना था महाराज, जो जैसा मिलता था उसमें बड़ी परमेश्वर मानती थी। आज चाहे कितनी भी कथा सुने, कथा सुन करके घर जाएगी, पति पूछेगा कथा सुन के आई, बोले हाँ बहुत बढ़िया महाराज ने कथा सुनाई। क्या सुनाई? बोले पति परमेश्वर होयो करें, सेवा करनी चाहिए, पति को कहनो माननो चाहिए। अरे वाह पंडित जी तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। बोले हाँ बहुत बढ़िया बात बोली। पति बोला देवी प्यास लग रही है, पानी तो पिला दे। मर रो है मेरे बिना पानी ना पी सके, परेशान होके आई हूँ कथा में। पंडित जी आधी घंटा देरी कर दे कथा में, परेशान होके आई, फिर मेरे ताई बैठो पानी पीवे के ताई, पी ना सके लेके। पति बोला भैया ये लो, ये कथा सुन करके आई है, बस यही बात है मेरे भाई। इसलिए कहा है माँ बाप त्रिया और पुत्र वधु, ये सब मतलब के नाते हैं, कल चाहने वाले लाखों थे, अब पूछने वाला कोई नहीं, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तो। सतजनवा बेचारा अकेला भागा, भगवान ने उसका पीछा किया, दाऊ दादा साथ में थे, उसका रथ टूट गया, पैदल दौड़ने लगा, भगवान पैदल दौड़े, दाऊ को रथ में छोड़ करके जाकर के एक खींच के थप्पड़ दिया, मर गया, मणि नहीं मिली, लौट करके आए दाऊ दादा, उसके पास तो मणि नहीं मिली। अब ये मणि कितनी खतरनाक है जरा ये देखिए, दाऊ के मन में ऐसा आया कि मणि तो मिल गई पर कन्हैया बताना नहीं चाहता, यानी ये पैसा इतना खतरनाक है कि कब भाई भाई के बीच बैर डाल दे, कब बहनों के बीच बैर डाल दे, कब माँ बाप के बीच बैर डाल दे, कोई पता नहीं है। दुनिया में दो मणि है, एक हमारा मन, एक मणि पैसा, इन दोनों के बिना काम भी नहीं चलता सजना, चाहे कोई कितना कहे छूते नहीं लेते नहीं ये नहीं, पर काम नहीं चलता। पैसे की जगह तो पैसा ही चाहिए, मगर इसका थोड़ा सा दुरुपयोग जीवन बर्बाद कर देता है, चाहे मन हो चाहे मणि पैसा हो। अगर ये दोनों सही जगह लग गए, मन सही जगह लग गया तो कल्याण, पैसा सही जगह लग गया तो, और उल्टे सीधे खाने पीने में पार्टी साटी लग गया महाराज तो वो गया पैसा बर्बाद। और कहीं सही जगह हमारा पैसा लग जाता है तो यहां भी वाह वाह और वहां भी, यही बात यहां बताई गई है। कृष्ण और बलराम के बीच में मनमुटाव पैदा हो गया, भेद आ गया, मतभेद हो गया। अच्छा कभी पैसे को लेकर के भाई भाई के बीच मतभेद हो जाए, बहन बहन के बीच, बाप बेटे के बीच, तो क्या करें? तुरंत कुछ मत बोलो, तुरंत मत बोलो, चुप रहो। वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, पहले इसका निर्णय करो, थोड़ा समय दो, क्योंकि तुरंत बोल गए आपस में किचपिच हो गई, बाद में तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाए कि नहीं वो सामने वाला सही है मैं गलत हूं, तो
तो सजनों भाई भाई का एक होना, बहन का एक होना, बाप बेटे का एक होना बड़ा मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। फिर आपको बात बात पर वही बात आप बोलोगे, याद आएगी कि नहीं नहीं उसमें तूने ऐसा किया था, उसमें तूने ऐसा किया था, उसमें तूने। इसलिए सजनों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे सास बहू के बीच में, बाप बेटे के बीच में कभी भी कोई बात हो तो तुरंत एक्शन लेके लड़ना हमारी सबसे गंदी आदत यही है कि बिना परखे बिना जांचे कोई थोड़ा सा बोल दिया, कान का कच्चा बन गए, कुछ कर किया, लड़ना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, लड़ाई यही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब पता चला कि मेरे भाई के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया है तो दाऊ दादा से बोले कि कन्हैया बोले चलें दाऊ दादा द्वारिका। दाऊ ने कहा नहीं, क्यों? बहुलासु जनक के यहाँ जाऊंगा, सत्संग करूंगा, आता हूं। थोड़ी देर के लिए दूर दूर हो गए, कुछ बोले नहीं। और बाद में पता चला कि जिस मणि का शक मैं कन्हैया पे कर रहा था वो मणि तो अक्रूर जी के पास में है। अब जरा सोचिए उस समय लड़ लेते दोनों भाई, एक हो पाते, एक हो भी जाते, दुनिया तमाशा देखती। आज हमारे साथ यही होता है। यही बात बताने के लिए भगवान ने ये लीला की है। कृष्ण बलराम के बीच में कोई मतभेद नहीं है, उन्हें सब पता है मणि कहां है, तो लीला चल रही है, नाटक चल रहा है। पर हमको समझाने के लिए कि कभी जीवन में ऐसा हो जाए तो तुरंत एक्शन मत लो, तुरंत महाराज उसको गाली गलौज तेरी मेरी मत करो, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। सजनों ये संसार में ये जो भी रिश्ते नाते हैं ये जब तक हम जीवित हैं तब तक जरूरी है, बाद में तो कोई जरूरी क्या है। जब तक जिंदे हैं तब तक जरूरी है, मरने के बाद तो कोई किसी को नहीं पूछता, जीते जी नहीं पूछता, मरने के बाद कौन किसको पूछेगा। हाँ?